जी स्टूडियो और देवगन फिल्म्स की तरफ से शैतान का ट्रेलर भी आ गया भाई। अबे कर दिया उसको भी रिलीज। सोचा था पहले मैदान आएगा उसके बाद शैतान, लेकिन पहले शैतान आ गया। चलो कोई बात नहीं, शैतान पहले देख लेंगे मेरा क्या जाता है। अरे ये तो गुजराती मूवी वश का रीमेक है, एक्ट्रेस भी वही की है। मुझे लगा कैथी के रीमेक के बाद अजय देवगन ओरिजिनल काम करेगा, लेकिन फिर से रीमेक बना रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ तो बेटा चिल्ला चिल्ला के बता दे, अब बता दे सबको। नहीं सुधरेगा ये। सबको क्या बताना, सबको पहले से मालूम है। हटा पाजी से तकलीफ, दे छोड़ूगा मैं इसको। आली रे आली आटा टूटी छिपाली आली, दे छोड़ूगा मैं तेरे को। देख मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरी मर्जी, मुझे जो बनाना है मैं बनाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ प्रोड्यूसर। वैसे इस फिल्म का नाम शैतान क्यों रखा? इस फिल्म का नाम रहना है तेरे वश में या फिर हम वश में रह चुके हैं सनम, ऐसा रखते तो क्या होता, काफी क्रिएटिव होता है ना। अबे तेरे क्रिएटिविटी से मेरे दांतों को कैविटी हो जाएगी, समझ में क्यों नहीं आता तुझे। इस फिल्म का ट्रेलर देखे ये लग नहीं रहा कि इस फिल्म का डायरेक्टर गणपत वाला डायरेक्टर है, विकास बहल। हाँ भाई विकास बहल इसका डायरेक्टर है जिसने गणपत फिल्म बनाई थी। कोई बात नहीं भाई, गलतियां तो होती रहती है, सबसे होती है गलतियां, और रीमेक फिल्म में चल जाती है कभी कभी, ये भी चल जाएगी। अरे भोला भी तो रीमेक थी लेकिन वो चली नहीं थी। इसके बाद अगर तू एक भी शब्द बोला तो मैं तेरी लाश ऐसी जगह गाड़ूंगा, ऐसी जगह गाड़ूंगा कि वो मैं खुद भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, सच कह रहा हूँ। सॉरी भाई लेकिन ये फिल्म मस्त लग रही है, एक्टिंग भी मस्त है, डायरेक्शन भी मस्त है, सब कुछ बढ़िया है, ये फिल्म सुपर हिट होगी, लिख के ले लो। लो देखो पलट गया साला। हमें ऐसे पलट नहीं है, कभी भी एक ही बात पे अड़े रहो उसे ही इंसान कहते। लेकिन मैं तो चमगादड़ हूँ। हमें लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस फिल्म में होता, अगर होता मैं इस फिल्म में तो ये फिल्म ज्यादा चलती। लेकिन ये चाय पत्ती के नाम पे बोर्नविटा क्यों खा रही है? लगता है जो वश में कर रहा है उसे भी नहीं पता कि उसके अंदर बोर्नविटा है। बहुत स्मार्ट लड़की है ये। रे भाई ये भी बता दिया, अबे चिल्ला चिल्ला के सारी स्क्रिप्ट बता दे, अबे पूरी पोल खोल देगा क्या? कैसी बातें करता है, अगर जहर पीने का सीन होता तो क्या सच में जहर पिला देते? अबे ये फिल्मों की दुनिया है, यहाँ सब कुछ नकली होता है, लेकिन दिखता असली है। अपने आंखों का चश्मा उठा उठा दे। भाई मुझे सब मालूम है, मैंने आदि पुरुष जैसी फिल्में की है, मैं तो बस ऐसे ही बातें करने के लिए कर रहा था। वैसे मुझे आर माधव को देखकर थ्री इडियट्स की याद आ रही। विजय सालगांवकर तुम चाहे कितना भी छुपने की कोशिश करो, मैं तो मैं ढूंढ के रहूंगा। तुम चाहे आकाश में जाओ, तुम चाहे पाताल में जाओ, तुम्हें कहीं पे ढूंढ के रहूंगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन ये गलत बात है, ये अकेले अकेले बोर्नविटा खा रही है, बहुत साल हो गए मुझे बोर्नविटा खाने को नहीं मिला, मुझे भी बोर्नविटा खा रहा है। लाइन में लोगों मिल जाएगा मिल जाएगा। पहले मुझे ये बताओ इतना वर्ष में कौन करता है भाई? ये खुद को थप्पड़ भी मार रही है, अपने बाप को भी थप्पड़ मार रही है, चाय पत्ती भी खा रही है, सब कुछ कर रही है। अबे ऐसा होता है क्या? वो सब भी ठीक है, लेकिन ये आपके घर में क्यों आया, किसी और के घर में क्यों नहीं गया भाई? ये आखिर इसका मिशन क्या है? शायद ये अपने बीवी को वश में नहीं कर पाया इसलिए पगला गया और अब दूसरे लोगों को वश में कर रहा है। मैंने जितना एनालाइज किया तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अबे तुम लोग बात का पता गलत करो, जाके मेरी फिल्म देखो। दोस्तों अगर आपको भी किसी ने वश में किया है तो हमें कमेंट करके बताइए, और आपको शैतान का ट्रेलर कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं आपकी। चलिए आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं। रिंकू कुमार कहते हैं अमेजिंग वॉइस, रियल एक्शन हीरो अक्षय कुमार, एम आर राजा, नो वन कैन बीट SRK, गाजी ऑफिशियल्स, धूम 4 डॉन 3 के लिए SRK परफेक्ट है। मुझे भी यही लगता है। फयाज मुकाशी कहते हैं योर वीडियोस इज वेरी फनी एंड गॉड ब्लेस यू भाई, और धूम 4 SRK को कर लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, और मुझे लगता है कि करेगा भी। सिद्धू गेमर YT, आई एम वॉचिंग योर वीडियोस, थैंक यू भाई। ऐसे ही कमेंट्स करते रहो दोस्तों, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय बाय।